लगाने मन नहीं। कोरोना से लेते आपको क्या कहना है जी? ऐसा है कि काम नहीं है, मैं भूखमर रहा हूँ, रोटी पानी की दिक्कत हो रहा है, और जो है ऐसे कि रूम किराया देना है, बच्चे चारों को पाँचों को है, उसको खाने के लिए कहाँ से व्यवस्था करेंगे? हम लोग खुद परेशान है, बिहार घर है, जाने आने में बहुत परेशानी है, कोई साधन नहीं है, रिक्शा चलाने वाले आदमी है, किराया ऑटो के किराया चलाता हूँ, बहुत परेशानी रहता हूँ। अब सोच रहा हूँ कि खाने के लिए कहाँ से आएगा, रूम किराया नहीं है, बच्चे सबको खाने के लिए दिक्कत हो रहा है, बहुत परेशान में पड़ा हूँ। आप तो तेरे बस भैया बोल दिए, वही हम लोग का ये रिक्शा चलाते हैं हम लोग। आप भी रिक्शा चलाते हैं? हाँ। अच्छा, घर जाना है, भुखमरी है, किसी को साधन नहीं मिल रहा जाने का, साधन तो जाने का दिक्कत हो रहा है, आदमी पैदल भी जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, तो हम लोग का तो 1100 किलोमीटर है, पैदल थोड़ी जा सकते हैं, 5 बच्चे हैं, बच्चे लेकर कैसे जाएंगे? बहुत से बिहार ही पैदल जा रहे हैं ना। ओहो, तो हम लोग बच्चे हैं ना जो सिंगल, अच्छा, चले जा रहे हैं, कि हमारे पास बच्चे हैं, हम लोग बच्चे लेकर रहते हैं, कैसे जाएंगे हम लोग? आदमी जनता जा रही गाँव अपने, आपका क्या विचार है कोरोना के बारे में? कोरोना वायरस के बारे में आप देख ही रहे होंगे, पब्लिक कितनी परेशान हो रही है, भूखी प्यासी रोड पर, दोपहर न रात न दिन, कैसे भी अपने छोटे बच्चे को लेके, सामान लेके, जैसे भी है, पब्लिक हेल्थ चल रही है। इसमें बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने इनकी सहयोग के लिए, पर हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, रोड पे तो देखो पब्लिक भूखी चल रही है, प्यासी चल रही है, कुछ भी कोई व्यवस्था नहीं है इनके लिए, पानी पानी कुछ नहीं मिल रहा, कुछ भैया पानी वानी मिला आप लोगों को? हाँ बिल्कुल मिला है, मिला, खाना पीना मिला भी आपने? तो ठीक है, बढ़िया, पूछो भैया कहाँ जाओगे आप लोग? आजमगढ़ भाई। बैठा रेलवे स्टेशन बंद हो।
Thank you.